हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2023 होंडा एलिवेट। होंडा एलिवेट इंडियन मार्केट के अंदर 4th ऑफ सितंबर को लॉन्च की जाने वाली है। इस कार के वैसे तो ऑफिशियल प्राइजेस अभी तक रिवील नहीं किए गए हैं, बट कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 11 से 16 लाख रुपीज इस कार का प्राइस आ सकता है। वेरियंट्स की डिटेल इस कार की ऑलरेडी आ चुकी है, एस वी 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 एक्स और जेड एक्स, चार वेरियंट्स आने वाले हैं इस कार के अंदर। अभी आप देख रहे हैं इसका बिल्कुल ही टॉप ऑफ द लाइन जेड एक्स वेरियंट। इंजन ऑप्शन आपको यहाँ पर इस कार में सिर्फ एक ही मिलेगा, जो कि रहेगा 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि आपको होंडा सिटी के अंदर भी देखने को मिल जाता है। बाकी ये हमारे पास है इसका जेड एक्स सीवीटी वाला वेरियंट, जो कि बिल्कुल ही टॉप ऑफ द लाइन है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव यही वेरियंट रहने वाला है। तो क्या कुछ इसके अंदर बेसिकली ऑफर किया जाता है, उसके बारे में ना हम डिटेल में बात करने वाले हैं आज। कल की वीडियो आपने देखी होगी रेड कलर के अंदर, उसके अंदर हम प्रॉपर डिटेल में नहीं बात कर पाए थे, एक फर्स्ट लुक की मैं आपको उस कार का वैसे दे पाया था। आज ना हमारे पास खुला टाइम है, तो प्रॉपर रिव्यू आज आपको इसका मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको ग्रिल का डिज़ाइन देखने को मिलता है, इसमें ब्लैक कलर के अंदर पूरी ग्रिल दी जा रही है, ग्लॉसी ब्लैक कलर है, आप देख सकते हैं। सेंटर में इसमें होंडा का लोगो, एलईडी हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर इसमें ऑफर किए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। चार यूनिट्स है, लो बीम के लिए 3 है, हाई बीम के लिए इंडिकेटर प्लस DRL आपके यहाँ पर इसमें दी जा रही है। ऊपर की तरफ LED में ये रहेगी, नीचे फॉगलेट्स भी इसमें LED में ही ऑफर किए जा रहे हैं। लोग आप देख सकते हो सिल्वर कलर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आ रही हैं। यहाँ पर आपको इसके अंदर नीचे की तरफ इसमें सिल्वर कलर में ही स्किड प्लेट्स भी ऑफर की जाती है। कोई भी फ्रंट पार्किंग कैमरा या सेंसर्स वगैरह इसमें आपको नहीं मिलने वाले हैं। व्हील्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 17 इंचेस के अंदर इसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। इस टॉप वेरिएंट के अंदर ब्रिजस्टोन के टायर्स के साथ आएंगे, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डायमंड कट डिज़ाइन पैटर्न आपके यहाँ पर इनका देखने को मिलेगा। टायर प्रोफाइल आपको यहाँ पर इसके अंदर मिल जाती है 215/55R17। फ्रंट टू डिस्क ब्रेक्स है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलेंगी। बाकी ये वाली पूरी क्लैडिंग आपको यहाँ पर इसमें बॉडी कलर्ड ऑफर की जा रही है, व्हाइट लोगे तो व्हाइट आएगी, ब्लू लोगे तो ब्लू आएगी, उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। बाकी ओवर व्यू आप देख लो ऐसे कुछ आपको मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेंट फोल्ड तो आप इन्हें कर ही सकते हैं। बाकी इंडिकेटर भी इसी के ऊपर प्लेस है, और यहाँ पर एक नीचे कैमरा भी इसके अंदर यहाँ पर प्लेस है, आप देख सकते हो। लेन वॉच असिस्ट कैमरा इसको कहते हैं बेसिकली। बाकी इस कार में यहाँ पर आपको एडास भी मिल जाते हैं, आप देख सकते हो एडास के लिए कैमरा यहाँ पर दिया जा रहा है। सनरूफ आ रही है इस कार में, कुछ इतने साइज की सनरूफ आपको यहाँ पर इसमें मिल जा रही है। ऊपर की तरफ अभी मैंने टिल्ट की हुई है। बाकी रूफ रेल्स भी यहाँ पे सिल्वर कलर के अंदर आएंगी। क्रोम विंडो लाइनिंग है, क्रोम डोर हैंडल्स हैं, रिक्वेस्ट सेंसर आपके यहाँ मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल साइड प्रोफाइल का लुक कुछ इस तरह का रहने वाला है ऑल न्यू 2023 होंडा एलिवेट का। बाकी लुक कैसे लग रहे हैं इस कार के, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे को पर्सनली कार काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। और तो ना एक और चीज़ भी है जो कि मेरे को इस कार के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, वो है इन्वॉल्व का कार्बन ब्लैक जेल कैन। ये परफ्यूम ने एक बहुत ही ज़्यादा कूल एंड रिफ्रेशिंग से ओवरऑल फ्रेग्रेंस ऑफर करता है। मतलब ना एक आपके यहाँ पे स्पाइसी मैली बॉडी परफ्यूम लाइक यहाँ पर इससे फ्रेग्रेंस मिल जाती है। ऊपर यहाँ पे फ्रेग्रेंस कंट्रोल लिड भी आ रहा है इसके अंदर, मतलब ना एक रिफ्रेशमेंट का आपको ब्लास्ट मिल जाएगा इसको कार के अंदर लगाते ही। 50 डेज तक बहुत ईजिली लास्ट भी कर जाता है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, ज़रूर से अगर इसे बाय करें, लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं तो अभी फिलहाल रख देता हूँ इसको यहाँ पर इस बॉटल होल्डर के अंदर, ताकि कार के अंदर आती ना मज़ा सा आ जाए। बाकी अब हम चलते हैं इस कार की रियर प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पर आपको इसमें LED के अंदर टेल लैम्प्स दी जाती हैं, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन आपको यहाँ पे टेल लैम्प्स का देखने को मिलेगा। इसके अंदर कंप्लीट LED है। ये वाला पार्ट सेंटर वाला रिफ्लेक्टर ही आपको दिया जा रहा है, पूरी कनेक्टेड दे देता ना बहुत ही ज़्यादा और भी प्रीमियम लग जाती। होंडा का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा आ रहा है, नंबर प्लेट लाइट आपको यहाँ पर इसमें LED में दी जा रही है। रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर सब कुछ आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगा। शार्क फिन एंटीना है। बाकी एलिवेट की आपको यहाँ बैचिंग मिल जाएगी, IVTEC की हाँ दी गई है। चार पार्किंग सेंसर्स आ रहे हैं इस कार में, और साथ ही साथ ना दो रिफ्लेक्टर्स भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। बाकी लुक कुछ ऐसा कंप्लीट रहने वाला है कार का बैक से, और बैक साइड लुक देख लो ऐसा कुछ ही आपको कंप्लीट इस कार का मिल जाएगा सिल्वर कलर के अंदर। बाकी तो ना अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कार के अंदर एंड दिखाता हूँ कि कैसे कुछ इंटीरियर्स इसमें ऑफर किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है क्रोम डोर हैंडल के ऊपर। डोर पैड कुछ इस तरह का रहेगा इस कार में, आप देख सकते हैं ब्लैक एंड ब्राउन कलर के अंदर आपको पूरा का पूरा देखने को मिलता है। ऑल 4 पावर विंडो कंट्रोल्स हैं। ओवर ईएम्स का इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड दोनों ही कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे ट्विटर है, डोर हैंडल ऐसे कुछ है, लेदर पैडिंग यहाँ पे भी आपको मिलेगी। स्पीकर बॉटल होल्डर मिल जाता है। डोर ओपनिंग आपको यहाँ अच्छी खासी मिल जाती है। कार के अंदर एंटी एग्जिट करने में आपको यहाँ दिक्कत नहीं आने वाली है। मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आपके यहाँ ड्राइवर साइड सीट मिलेगी, जिसकी आप यहाँ पे हाइट भी एडजस्ट कर पाएंगे। और कुछ ऐसा कंप्लीट इसका लेआउट रहने वाला है डैशबोर्ड का। इंजन की बात करते हैं यहाँ पर, ना आपको इस कार में बेसिकली 1.5 लीटर का एक इंजन ऑप्शन अभी फिलहाल के लिए ऑफर किया जा रहा है। हाइब्रिड भी आ सकता है इस कार के अंदर, बट अभी के लिए फिलहाल यहाँ पर एक ही है।
जो कि ना सेम होंडा सिटी वाला है। एंड ये इंजन इस कार में प्रोड्यूस करता है 121 पीएस की पावर और 145 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। 6-speed मैनुअल और 7-step सीवीटी गियरबॉक्स के साथ आपको इंजन इस कार में मिल जाता है। होंडा का इंजन है, रिलायबिलिटी तो आपको पता है, टॉप क्लास आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको इंसुलेशन भी इसमें दी जा रही है, 4-cylinder का पेट्रोल इंजन है। बाकी बंद करते हैं इसको एंड बात करते हैं इसके कंप्लीट इंटीरियर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको लुक मिल जाएगा इसके कंप्लीट डैशबोर्ड का, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। स्टेयरिंग व्हील देख लो, लेदर रैप्ड आपको मिल रहा है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ आ रहा है। यहाँ पर आपको सभी क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट, ये सब एडास रिलेटेड कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। एडास का सेंसर यहाँ पर है, ये मैंने आपको बाहर से दिखाया था, ये पीछे की तरफ। इसके ऑटो हेडलैम्प्स आ रही हैं इस कार में, फॉग लाइट भी नीचे ऑन कर पाएंगे। यहाँ पे वाइपर, ग्लिड टॉगल, पेडल शिफ्टर्स आ रहे हैं इस कार में, क्योंकि ये है ऑटोमेटिक, यहीं से आप कंट्रोल पूरा इसको कर पाते हैं। बाकी यहाँ पर इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच जो कि ग्लो कर रहा है, इधर से आप यहाँ पे कैबिन की इल्यूमिनेशन कम ज़्यादा कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो, कुछ ऐसा कंप्लीट आपको मिलने वाला है इस कार में, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ये लग रहा है, सेम होंडा सिटी जैसा ही लगभग है ये। यहाँ पर आपको एक एसी वेंट मिलेगा, लेदर पैडिंग है, ट्रैक्शन ऑन ऑफ का स्विच है, हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ पर इसमें मिल जाता है। बाकी तो गई इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है जरूर से वीडियो लाइक कर दें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप कोई भी कार बिना वेटिंग पीरियड के बाय करना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर स्क्रीन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको इसमें 10 inches की स्क्रीन ऑफर की जा रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। एंड्रॉइड और एप्पल कार प्ले आपको यहाँ पर इसमें दोनों ही मिल जाएंगे। बाकी बेसिक फीचर्स जैसे कि AM/FM ब्लूटूथ USB तो आपको मिलता ही है, ऐसे कुछ यहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट स्क्रीन मिल जाएगी। एंड स्मूथनेस इसमें आपको अच्छी खासी मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं जो वीडियोस वगैरह में देखा उसमें तो अच्छी लग रही थी। बाकी देख लो हाँ, रिस्पॉन्स अच्छा। स्पीकर्स की क्वालिटी भी यार अच्छी लगी मेरे को तो। यहाँ पर दो AC वेंट्स हैं, हजार लेट का स्विच है, फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। यहाँ पर ना टच बेस्ड आपको ये पूरा नहीं मिलेगा, यहाँ पर बटन इसमें दिए जा रहे हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्लिक के साउंड ना, मतलब प्रीमियम नेस आपको फील जरूर से होगी चाहे इसको क्लिक करते हैं। बाकी एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो स्टीयरिंग व्हील का आप टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों वेज में एडजस्ट कर सकते हैं। लेदर पैडिंग मिलेगी, वुडन इंसर्ट्स हैं, यहाँ पे भी लेदर आपको पूरा दिया जा रहा है। आर्मरेस्ट भी लेदर में है, सीट्स भी लेदर में है, और यहाँ पर आपको वुडन फिनिशिंग साइड पर मिल जाएगी, लेदर में ये नहीं है, प्लास्टिक में ही आपको दी जा रही है। और ये वाला आप देख लो, दो बॉटल होल्डर्स हैं यहाँ पर, एक के अंदर हम रख चुके हैं वॉल्व का परफ्यूम। यहाँ पर वायरलेस चार्जर है, 12 वॉट्स का पावर सॉकेट है, टाइप ए पोर्ट्स दिए जा रहे हैं। ऐसे कुछ यहाँ गियर लीवर मिलेगा, रिवर्स गियर लगाने पर आपको यहाँ पे कैमरा का डिस्प्ले मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं। एंड साथ ही पार्किंग सेंसर्स का भी डिस्प्ले है। कैमरा देख लो, अच्छी खासी क्वालिटी है इसकी, मतलब यार स्क्रीन फ्लिकर नहीं कर रही है, कैमरा इफेक्ट की वजह से होता है, तो थोड़ा सा इसमें एडजस्ट कर लेना। और फिर न्यूट्रल ड्राइव मोड के बाद आपको यहाँ स्पोर्ट्स मोड भी इसके अंदर मिल जाता है। और यहाँ पर इसमें ब्रेक और पीछे आमदेश के अंदर स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाएगी, सॉफ्ट कुशनिंग आपके यहाँ मिल जाती है। सीट्स देख लो, ऐसी कुछ ये कंप्लीट रहने वाली है, लेदर के अंदर आपके पूरी मिल जाती है। एंड सेम वही होंडा सिटी वाला डिजाइन पैटर्न है। कंफर्ट बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट है, यार मेरे को तो बेस्ट इन सेगमेंट कंफर्ट लगा अभी तक इस कार का। क्रेटा सेल्टो सबसे ऊपर मेरे को इसकी सीट्स लगी, ग्लव बॉक्स अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस के साथ आएगा इसमें। एंड ऊपर यहाँ सनसीट के अंदर वैनिटी मिरर है, जिसके साथ आपको लाइट भी मिलेगी। और ऑटो डिमिंग IRVM दो लाइट्स आपको दी जा रही हैं LED में। सनरूफ आपको मिल जाती है, वन टच ओपन क्लोज फंक्शन के साथ जो कि आती है, ऐसे कुछ ही ओपन होगी। और यहाँ पर इसमें अगेन मिरर मिल जाता है, बट लाइट यहाँ पर इसमें नहीं दी जा रही है, मतलब यार पैनोरामिक दे देते ना और बढ़िया आ जाता। बट सही बताऊँ, इंडिया के अंदर यूज़ नहीं है यार सनरूफ का, मेरी खुद की कार के अंदर सनरूफ है, पहली कार है मेरी जिसमें सनरूफ है, और बंद ही रखता हूँ मैं उसको, ये वाला ब्लाइंड भी बंद ही रखता हूँ, गर्मी लगती है कार के अंदर, क्या ही मतलब इतना मेरे को पर्सनली नहीं यूजफुल फीचर लगता सनरूफ। बाकी अपनी अपनी चॉइस रहती है इसमें। और ये थे कंप्लीट इसके इंटीरियर। सेफ्टी में आपको 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं, फ्रंट 2 साइड कर्टन एयरबैग्स आपके यहाँ मिल जाएंगे, और सीट्स के साइड्स पे भी एयरबैग्स दिए जा रहे हैं। और आपके यहाँ ABS, CVT, ब्रेक असिस्ट, टाइप्स ऑफ सीट पावर, इंस्ट्रक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स इसमें ऑफर किए जाते हैं। बाकी तो अब एक बार मैं आपको यहाँ पर इसकी कीज दिखा देता हूँ। ये देख लो, ऐसी कुछ कीज रहने वाली है, लॉक अनलॉक रिमोटली इंजन स्टार्ट के ऑप्शन के साथ ये आएगी। इंजन आपको एक बार स्टार्ट ही करके दिखाता हूँ बाहर चलकर कैसे होता है इसका रिमोटली इंजन स्टार्ट। हैंड ब्रेक लगी होनी चाहिए, पी में रहनी चाहिए कार, और आपकी कार होनी चाहिए यहाँ पर लॉक्ड। कार लॉक हो गई है, इस होल्ड वाले बटन को प्रेस करके देखते हैं कैसे स्टार्ट होती है। कार यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, इंजन नॉइस आई नहीं होगी, इतना साइलेंट इंजन है, इंडिकेटर्स ब्लिंक हो रहे हैं। कार देखना अभी यहाँ पे लॉक्ड है, दोबारा करा अनलॉक हो गई और कार ये अंदर स्टार्ट है। बाकी तो ना अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसकी बैक सीट में, दिखाता हूँ कि बैक सीट में क्या कुछ बेसिकली ऑफर किया जा रहा है, कैसा कुछ कंफर्ट मिल जाता है। ये आप देख लो, डोर पैड कुछ इस तरह का रहने वाला है इस कार का, ड्यूल टोन के अंदर रहेगा, ब्लैक एंड ब्राउन। विंडो का स्विच है, लेदर पैडिंग है,
डोर हैंडल, और यहाँ पे विंड लाइन्स रहते तो क्या ही बात हो जाती। यहाँ पर स्पीकर मिल जाएगा, बॉटल होल्डर है, डोर ओपनिंग अच्छी खासी आपको मिल जाएगी, कार के अंदर एंटर एग्जिट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अंदर हेडरेस्ट आपको दिए जा रहे हैं जो कि है फिक्स टाइप एंड कुशनिंग। यार कुशनिंग तो होंडा सिटी में लग ही नहीं रहा कोई, इससे कोई पता नहीं क्या चक्कर है, पर वही है या आमरेस देखो यार, ढीला से दे दिया होंडा सिटी की तरह, ऐसे ही चिल रखते थे ना, कितना वो ओवरऑल अच्छा लगता, ये नीचे झुका हुआ थोड़ा। यहाँ पे दो बॉटल होल्डर्स हैं, कुशनिंग अगेन अच्छी खासी है, आइसोफिक्स सीट माउंट्स है, अंडर थाई सपोर्ट भी आपको अच्छा इसमें मिल जाता है। बाकी अंदर आ गया हूँ मैं कार के, यहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिल जाएंगे, नीचे आपको 12 वॉट्स का पावर सॉकेट भी दिया गया, मैप पॉकेट्स हैं एंड डैशबोर्ड लेआउट कुछ ऐसा कंप्लीट आपको मिलता है जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। स्पेस में कोई कमी नहीं है, ये ड्राइवर सीट मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट, और उसके बाद भी काफ़ी अच्छा ओवरऑल नी रूम, लेग रूम और हेड रूम मिल पा रहा है। यहाँ पर एक लाइट है एलईडी में, 2 एडल्ट्स और 1 किड बहुत ही आराम से बैठ पाएंगे, सेंटर में बहुत ही थोड़ा सा कोई खास दिक्कत एस जब यहाँ पर इसमें नहीं आने वाली है इसकी वजह से। बाकी फिर से आ गया मैं कार के बाहर एंड अब देख लेते हैं एक बार इसका बूट स्पेस। तो ना यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है, प्रेस करा टेल गेट ओपन हो गया, 458 लीटर्स का बूट स्पेस आ रहा है इस कार में। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा, अच्छी स्टोरेज स्पेस है, वेस्टर्न सेगमेंट आपको मिलता है। यहाँ पर एक लाइट है, रियर सीट 60-40 स्प्लिट वे में फोल्ड भी हो जाती हैं, और ये आपको इसमें पार्सल ट्रे मिल जाती है। बाकी फोल्ड अभी तक मेरे हिसाब से किसी घरी मैंने अभी तक किसी घरी भी नहीं देखी सीट्स फोल्ड हुई हुई, तो चलो करके ही आपको दिखा देते हैं, अगर हुई हो तो बात लगे, मैंने पर्सनली नहीं देखी तो ही मैंने ऐसा कुछ कहा। एंड ये देखो ये हो गई अब रियर सीट इसकी फोल्ड, एंड स्पेस देख लो इतनी कुछ आपकी ये मिल जाएगी इनके फोल्ड हो जाने के बाद। बाकी इसके नीचे आपको यहाँ पर इसका स्पेयर व्हील मिलता है टूल किट के साथ, एक साइज छोटा 16 इंच का आपको ऑफर किया जा रहा है। और बंद करते हैं इसको एंड बात कर लेते हैं इसके एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में। तो होंडा एलिवेट एक इंजन ऑप्शन के साथ आ रही है, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, तो मेरे को लगता है कि 11 लाख रुपीज से इसका प्राइस स्टार्ट होने वाला है और जाने वाला है 16 लाख रुपीज तक या फिर 17 तक जा सकता है, इतने तक रखता है। बाकी हाइब्रिड या टर्बो पेट्रोल रहता तो कहीं ना कहीं 20 आराम से टच कर जाती। एंड अब गेम सारी प्राइसिंग के ऊपर, ये कार तो काफ़ी अच्छी है, इंजन आपको पता है होंडा से ऊपर किसी का इंजन नहीं है पूरे सेगमेंट में, सही बता रहा हूँ मैं ये, मतलब कोई होंडा ने पैसे वगैरह ऐसे कुछ नहीं दिए हुए, सही बता रहा हूँ, होंडा से ऊपर इंजन पेट्रोल में नेचुरली एस्पिरेटेड में किसी और मैन्युफैक्चरर के पास नहीं है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रूवन आईवीटेक पेट्रोल इंजन मिलता है, बट वो ये थोड़े बहुत फीचर्स में आपको यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती तो बढ़िया रहता, 360 कैमरा मिल जाता है जो कि मेरे हिसाब से कॉम्पिटिशन में आ रहा है, इनको भी दे देना चाहिए था। बाकी चलो जिनको इन फीचर्स इतना फ़र्क नहीं पड़ता और चाहिए उनको इंजन बहुत ज़्यादा बढ़िया, तो होंडा एलिवेट उनके लिए बनी है। सिल्वर कलर में कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना मेरे को, फर्स्ट रिव्यू है ये सिल्वर कलर का, अभी तक जब तक मैं बना रहा हूँ तब तक तो किसी ने नहीं पोस्ट किया था। बाकी साथ में ना आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा इन्वॉल्व के कार्बन ब्लैक कार परफ्यूम का, जिसे की जाकर ज़रूर से बाय कर ले ताकि एक मस्त सी फ्रेग्रेंस का आप मज़ा ले सकें अपनी कार के अंदर। बाकी इतना ही था इस वीडियो के लिए, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ऐसी और डिटेल्ड वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।